फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अच्छा बताओ, ये किस किस को पता था? दिस इज जस्ट अमेजिंग। जब मैंने आप पढ़ा और सुना, मैं हैरान थी। मैंने कहा अच्छा, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो प्लास्टिक की बोतलों से बनी जैकेट पहनकर पार्लियामेंट पहुंचे पीएम मोदी। तो वो जो ब्लू जैकेट आपने देखी जो मोदी जी ने पहनी हुई थी, वो प्लास्टिक की बोतलों से बनी हुई है। इंटरेस्टिंग, कमाल है। वो खुद ही दिखा रहे हैं कि कैसे मिलती है, हमें पता करना। हाँ, हमें तो पता ही नहीं कहाँ से मिलती है यार, पर दिस इज अमेजिंग। तो वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल्स पता करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये ब्लू जैक संसद में पीएम मोदी की धांसू एंट्री। एंट्री नहीं देखी। पीएम मोदी की नीली जैकेट हो गई वायरल। प्लास्टिक की बोतलों से बनी है पीएम मोदी की नीली जैकेट। बोतलों को रिसाइकिल करके बनाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जैकेट। आज संसद में जब प्रधानमंत्री मोदी ने एंट्री ली, तो सबकी निगाहें प्रधानमंत्री मोदी पर टिक गई। भारत के प्रधानमंत्री की चर्चा यूं तो हर दिन होती है, लेकिन इस बार सारी लाइमलाइट प्रधानमंत्री मोदी की ये जैकेट ने ले ली, जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज नीले रंग की जैकेट पहनकर संसद भवन में पहुंचे। ये जैकेट प्लास्टिक की बोतलों पेट से बनी है, जिसे बोतलों को रिसाइकिल करके बनाया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के मौके पर कई उपहार मिले थे, जिनमें से एक ये नीली जैकेट भी थी, जिसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भेंट की थी। हालांकि इस जैकेट की खासियत यही है कि इसे रिसाइकिल करके बनाया गया है। कंपनी का लक्ष्य ऐसी 10 करोड़ बोतलों को रिसाइकिल करने का है, ताकि अपने पर्यावरण को संरक्षित करके रखा जा सके। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी इंडिया एनर्जी वीक के मौके पर बेंगलुरु दौरे पर थे, और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम 2030 तक अपने एनर्जी मिक्स नेचुरल गैस खपत को बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। साथियों, 21वीं सदी के विश्व का भविष्य तय करने में एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी के नए रिसोर्सेज को डेवलप करने में, एनर्जी ट्रांजिशन में आज भारत विश्व के सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 में अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत मौजूदा समय में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के लिए सबसे सही स्थान है। इस कार्यक्रम में 34 देशों के मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे। दुनिया की नामी एनर्जी कंपनियों के प्रमुखों ने इसमें शिरकत की, जिन्होंने अलग अलग उपहार दिए। उपहार देने वालों में एक नाम अर्जेंटीना के स्वामित्व वाली कंपनी YPF के अध्यक्ष पाब्लो गोंजालेस का भी रहा था, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना के ही स्टार फुटबॉलर मेसी की एक टी शर्ट गिफ्ट में दी थी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। और अब चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नीली जैकेट की हो रही है। पड़ा था बहुत महंगी भारत जर्सी तक इतने पैसों की। यार कमाल की न्यूज है। पहले तो ये धमाके नाज न्यूज सुनी कि भैया जैकेट जो है रिसाइकल्ड बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स की बनी है। उसके बाद दूसरी धमाकेदार और मतलब धमाकेदार न्यूज बनी कि वो एक एज अ गिफ्ट उनको दी गई थी। मैंने कहा यार वाह, और किसी एंगल से ही नहीं पता चल रहा कि ये कोई रिसाइकल्ड प्लास्टिक की जैकेट होगी। मुझे तो नॉर्मल जैसे मोदी जी हर जैकेट पहनते हैं वैसी लगी। अगर कोई ना बताए तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। अच्छा है, मेरे ख्याल से सुंदर थी। मतलब बाजारों में बिकनी चाहिए कि रिसाइकल्ड प्लास्टिक के कपड़े यहाँ मिलते हैं, दुकानें हो, गवर्नमेंट कोई लगाने चाहिए स्टॉल्स या कहीं पर, जैसे खादी भंडार वैसे प्लास्टिक के भी ये मिलते हैं। लोग बोलेंगे अरे वाह क्या जबरदस्त है, अगर आप उसे यूज करते हैं तो आपने बहुत अच्छा काम किया रिसाइकलिंग में। और रिसाइकलिंग का सिस्टम भी इंडिया में कर देना चाहिए कि अलग से जो उसके बैग्स होते हैं या जो भी डब्बे अलग से कर दीजिए, जहाँ पे लोग अपना रिसाइकल वाला मटेरियल होते हैं। याद है मुझे जब हम लोग मॉल गए हैं, मॉलों मूलों में 3-4 तरह के डब्बे पड़े होते थे कि इसमें तुम वो वाला डालो, उसमें वो वाला डालो। घरों में भी कर दीजिए, घरों में भी ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि लोग अलग कर सके ये रिसाइकल वाला है ये नहीं है, उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। रिसाइकल का कपड़े बना सकते हैं और वो
होपफुली कम प्राइस के हों जिससे ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाए, तो कमाल हो जाएगा। नहीं वो कह तो रहे थे पता नहीं कितने 10 करोड़ या पता नहीं कितने बोतलों का वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मोदी जी इसमें बात कर रहे थे, उसके बाद दिखा रहे थे एनर्जी, जहां पे गए थे एनर्जी वाले में, वहां पे तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आपको पेट्रोल पे डिपेंडेंस बंद करनी है जिससे मिडल ईस्ट से पंगा खत्म हो, और उसके लिए तो सोलर इज़ नंबर वन, और सोलर में मेरे ख्याल से इंडिया नंबर वन होने वाला है, बनने वाला है सोलर एनर्जी के लिए। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इतना चीप कर देना चाहिए सोलर। देखिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी सोलर की ये है कि वो काफ़ी कॉस्टली है, उसकी मेंटेनेंस और पूरा लगाना। अगर इंडिया ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसे चीप कर दे तो ये हो जाएगा जो भी नए घर बनते हैं बाय डिफॉल्ट वो सब के सब ऊपर सोलर लगवाएंगे। ऊपर आप कर दीजिए कि हम ऊपर एक ऐसा लेवल बनाएंगे जहाँ पूरा सोलर होगा, पूरे घर की जितनी पावर है उसी से चलेगी सोलर से। और इंडिया में इतनी हीट होती है, मेजॉरिटी एरियाज में इतनी हीट है कि प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सिर्फ इश्यू है प्राइस का, अगर वो कम हो जाए तो हर घर, मेरे को तो यही था कि हर घर में, एटलीस्ट दिल्ली की बात जा कर रहे हैं, हर दिल्ली के घर के छत के ऊपर एक सोलर पैनल होनी चाहिए, उसे सारा काम चलना चाहिए। वो तो है, वो कमाल ही हो जाएगी क्योंकि धूप इतनी होती है इंडिया में। अब हम लोग जैसे कोलोराडो में रहते थे वहां इतनी धूप नहीं होती थी, वहां पे भी सबने लगाया हुआ था। अगर हम वहां परमानेंट होते ना, हाँ होती तो थी पर स्नो भी तो होती है। अब दिल्ली विल्ली इलाकों में देखो तो कोई स्नो तो नहीं, तो वहां तो धूप ही धूप है। पर मैं ये कह रही हूँ कि हम भी सोच रहे थे लगाने की, पर हमें पक्का ही नहीं था कि मतलब पूरी इंडिया जो है इक्वेटर के पास है, वो तो है। और अगर आप देखें ज्योग्राफी के हिसाब से तो बेस्ट, मोदी जी ने एक प्लान भी तो किया हुआ था कि वो कह रहे थे कि पूरा सोलर का वो करेंगे और उसके बाद दूसरी कंट्रीज को भी भेजी जाएगी उसकी। जहां तक मुझे पता है मेरे ख्याल से लार्जेस्ट सोलर फार्म इंडिया में ही है। और मगर एक बार अगर प्राइस कम हो जाए तो हर बंदे के घर पे, या फिर ऐसा रूल बना दें कि जो नए घर बनेंगे उन पे सोलर आएगा, वेरी नाइस। पर जो मतलब गिफ्ट मिली है जैकेट, इतना ब्यूटीफुल लाइट ब्लू कलर, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल जैकेट, जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ कि प्लास्टिक की रिसाइकल बनी हुई जैकेट है। और उसके बाद जो उन्होंने दिखाया कि दूसरे और गिफ्ट्स भी मिले थे, जिसमें उन्होंने वो टी शर्ट भी दिखाई जो मैंने सुना है बहुत ही महंगी, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत है। तो मोदी जी को ऐसे ऐसे फैंटास्टिक जो है मिलते हैं गिफ्ट्स। पर याद रखना मोदी जी कोई भी गिफ्ट्स रखते नहीं, उनको तो पता है वो तो कहते हैं इसको संग्रहालय में वो डोनेट कर, वो रख देते हैं और कहते हैं इसको बेच दो, ऑक्शन कर दो, जो पैसा मिलता या, है वो या फिर सीधा लोगों को देखने के लिए भी लगा देते हैं। हाँ या वो म्यूजियम में भी लगा देते हैं, या फिर वो कहते हैं इसको ऑक्शन करके बेच दो, जो पैसा मिलेगा वो फिर वो किसी और वेलफेयर या किसी और चीज में लगा देते हैं। ये उनका कमाल है। बट दिस इज जस्ट फैंटास्टिक यार, मजे आ गया। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।